द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इंडिया गठबंधन के नेताओं से रातों रात चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की है। इस वक्त देश में किसकी सरकार बनेगी उस पर सस्पेंस बरकरार है। इंडिया गठबंधन ने भले ही यह कह दिया है कि हम अभी विचार करेंगे और सही मौके का इंतजार करेंगे, लेकिन इससे यह तय हो जाता है कि इंडिया गठबंधन की कोशिशें अभी बरकरार हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरकिनार करने के लिए अपने पार्टनर के साथ जोरदार बैठक तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एमके स्टालिन से मुलाकात की है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से। तस्वीर आप देखिए, न्यूज 24 ने इस तस्वीर को साझा किया है और यहां दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है। दोनों दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं और इस मुलाकात पर तो रजनीकांत साहब ने भी बधाई दी है। और क्या यह मुलाकात इंडिया गठबंधन की नई दिशा और दशा तय कर सकती है? क्या चंद्रबाबू नायडू को बड़ी जिम्मेदारी देकर इंडिया गठबंधन चौंका सकता है? क्या चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी के पास आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कोई विकल्प है? क्या चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखना चाहते हैं? तमाम ऐसे विकल्प हैं। इंडिया गठबंधन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी भी बड़े चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकता है, उसे कोई गुरेज नहीं है। जैसे कि बीजेपी में मोदी के अलावा पीएम पद के लिए कोई फिलहाल तो सोच भी नहीं सकता, फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या नितिन गडकरी हो। खैर, इस तस्वीर को लेकर जब हमने खबर तलाशने की कोशिश की तो जागरण पर, हिंदुस्तान पर इस तरीके की खबर तो हमें दिखी कि इन लोगों की बैठक के बीच स्टालिन और नायडू की मुलाकात हुई है। अब मुलाकात जब हुई है तो इसके सियासी मायने निकाले ही जाएंगे। ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एमके स्टालिन जबरदस्त जीत के साथ एकदम बुलंद हैं और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि नायडू से बात कर रास्ता निकाल दें ताकि इंडिया गठबंधन के लिए राहें और आसान हो। आने वाले समय में नायडू और नीतीश ही एनडीए के खेवनहार हैं। वो अगर चाह लें, अगर पलटी मार दें तो नरेंद्र मोदी चाहकर भी सत्ता में बने नहीं रह पाएंगे। वैसे भी खटपट की स्थिति उन तमाम राज्यों में है जहां पर इस वक्त एनडीए की नैया डगमगाई है, फिर चाहे महाराष्ट्र ही उसमें आप क्यों ना जोड़ लें। और जहां प्रचंड बहुमत के साथ जिस राज्य ने एनडीए को वोट किया है वहां के जो स्थानीय बड़े नेता हैं वो भी अब सुगबुगाहट दिखा रहे हैं, रोड शो चल रहा है। बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, उन्हें दिल्ली बुलाया तो गया है लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए जो मध्य प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री पद की मांग कर बैठी है नरेंद्र मोदी स्वीकार कर पाएंगे क्या? क्योंकि चिढ़ते हैं नरेंद्र मोदी, यह तो तय। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से बेदखल किया गया था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड जीत, विधानसभा में रिकॉर्ड जीत, अपने दम पर मध्य प्रदेश निकाल कर देना और अपने दम पर मध्य प्रदेश की तमाम लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप करना, ये शिवराज सिंह चौहान के कद को जब बड़ा करता है तो वहां 1.5 लाख वोटों से जीतने वाले नरेंद्र मोदी परेशान होते हैं। खैर, वो अलग विषय है, लेकिन इस वक्त जो खबर हम चर्चा कर रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन की मुलाकात की। देखते हैं जागरण ने क्या जानकारी दी है। जागरण का कहना है, एनडीए इंडिया की बैठक के बीच स्टालिन नायडू की हुई मुलाकात, रजनीकांत ने पीएम मोदी को दी बधाई। हमने कहा कि रजनीकांत ने बधाई दी है और ये तस्वीर वायरल हो गई है कि नायडू साहब के मन में क्या है, क्या नायडू साहब राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्या नायडू साहब खुद नीतीश कुमार को साथ लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ चल पड़ेंगे? क्योंकि देश में एक ऐसे सरकार की जरूरत है जो मोदी रहित हो, विपक्ष की पूरी मांग यही है। हर बार यही कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें
हालांकि उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री का रोल अदा करना शुरू किया है। राष्ट्रपति को उन्होंने इस्तीफा सौंपकर नई सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका संभाली है। लेकिन इस बीच अब एमके स्टालिन को अगर इंडिया गठबंधन ने काम पर लगाया है, रातों रात मुलाकात करा दी है और यह मुलाकात कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर हुई है और एयरपोर्ट पर एक दूसरे का स्वागत, फिर यह कहा गया चंद्रबाबू नायडू से जो बातचीत हुए वो बातचीत हम बता देते हैं, चूंकि अटकलों का बाजार गर्म है, हर एंगल निकाला जा रहा है, लेकिन जो बातें मीडिया को बताई जाती हैं वो भी तो जान लीजिए। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि इंडिया गठबंधन ने कोशिश की है एमके स्टालिन के जरिए कि नायडू को मनाया जाए, लेकिन इसके अतर एमके स्टालिन ने ट्वीट के जरिए जो जानकारी दी है मुलाकात को लेकर ताकि कयास आगे ना बढ़े वो भी समझ लीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव का परिणाम आ चुका है और अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। अब शुभकामनाएं तो देंगे, दोनों की जीत बेहतरीन है, दोनों अपने अपने राज्य के एकदम बादशाह बनकर सामने आए। लेकिन इस बीच इस मुलाकात के जब अटकलें लगाने शुरू कर दिए गए कि क्या इंडिया गठबंधन ने नायडू को सेट कर लिया है, तो इस बीच खबर क्या आई, स्टालिन साहब ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया है, जरा देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि वह केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, दक्षिणी राज्यों की वकालत करेंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। स्टालिन की यह मुलाकात एक तरीके से दैनिक जागरण ने क्लियर करने की कोशिश की है और यह भी कोशिश हुई है कि अगर चंद्रबाबू नायडू बड़ी भूमिका में केंद्र में आ जाते हैं तो दक्षिण भारत के लिए काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से क्या बात होगी, नीतीश कुमार पूरे हिंदी पट्टी का नेतृत्व करेंगे और नीतीश कुमार अगर बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, क्या वो राज्य में मुख्यमंत्रित्व को छोड़कर वो दिल्ली में बड़ी पॉलिटिक्स करेंगे, क्या वो बड़े पद की मांग कर रहे हैं? शर्तें तो दोनों ने रखी हैं, किसी ने वित्त की मांग कर दी है, किसी ने रेल की मांग कर दी है, किसी ने शिक्षा स्वास्थ्य की मांग कर दी है, लेकिन इन सब के बीच स्पीकर की भी मांग चंद्रबाबू नायडू ने कर दी है। अब इनके नेताओं के पास, इनके सांसदों के पास अब इतनी क्षमता हो गई है कि वो अपने बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला सकते हैं। और इस बीच रजनीकांत ने जब स्टालिन नायडू को बधाई दी है वो भी खबर चर्चा में आ गई, क्योंकि साउथ में सेलिब्रिटीज पॉलिटिक्स बहुत एक्टिवली ज्वाइन करते हैं और अच्छा धमाल करते हैं। क्या लिखा गया है, दिग्गज फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए तीनों नेताओं को सराहा। अब यहां से समझ लीजिए कि पूरे देश में क्या कमाल होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह क्लियर किया कि अभी हम सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश तो जारी है। कोशिश इस मायने में जारी है कि जो जहां की बातों को संभाल सकता है उसको उस काम पर लगाइए। अब नीतीश बाबू को समझाने के लिए हिंदी पट्टी के बड़े नेताओं को लगाया जा सकता है, खुद तेजस्वी यादव हों या लालू प्रसाद यादव हों, इन्हें भी ड्यूटी दी जा सकती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तो दक्षिण भारत के नेता ही समझाएंगे। खड़गे भी कोशिश कर सकते हैं और एमके स्टालिन भी कोशिश कर सकते हैं। अगर ये सब कोशिश में सफल हुए तो मोदी जी की कुर्सी जानी तय हो जाएगी। तो इंतजार कीजिए, जब तक सरकार बन नहीं जाती है ऐसी खबरें तो आपके सामने आती ही रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।